नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। लाउड एंड क्लियर में आज बात उस मुख्तार अंसारी की जिसका यूपी के 5 जिलों में रौब होता था, उस मुख्तार अंसारी की जो एक जमाने में दहशत का प्राय होता था, उस मुख्तार अंसारी की बात जिस पर 65 केस दर्ज थे। उसी मुख्तार अंसारी का शव इस वक्त बांदा की हॉस्पिटल में पड़ा है, पोस्टमार्टम हो रहा है। परिजन दुखी है, साजिश की बात कह रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं। वही जिन लोगों ने मुख्तार अंसारी का सामना किया वो लोग आज मुख्तार की दबदबे की कहानी सुना रहे हैं, ये ताकीद कर रहे हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच। आपको बता दें, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह मामले की जांच करेंगी, 1 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो मामले की जांच को देखते हुए इस वक्त का यह सबसे बड़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज आपके सामने, जहां बता दें मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच होगी और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह करेंगी जांच। जांच को देखते हुए बड़ी खबर यह भी है कि 1 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। पोस्टमार्टम पर मुख्तार के परिवार की मांग को लेकर भी खबर है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टर से पोस्टमार्टम कराने की मांग परिवार कर रहा है। बांदा डीएम को उमर अंसारी ने चिट्ठी लिखी है, अभी बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार का पोस्टमार्टम चल रहा है, लेकिन इस बीच ये चिट्ठी और चिट्ठी के जरिए की गई मांग को लेकर खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि परिवार की तरफ से पोस्टमार्टम को लेकर जो मांग की गई है उसमें कहा तो सिर्फ रूह रहेगी, बॉडी तो चली गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? हम ठीक है मेरी जान, अल्लाह का शुक्र है पापा, आपकी आवाज सुनने नसीब हो रही है हम लोग को। आप ठीक है ना? आपकी आवाज बहुत डर आ रही है, रुकिए उमर लाइन पे हैं आप के लिए। हेलो जी पापा, अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? हाँ बाबू ठीक है, बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद, आप कुछ बोलिए पापा, जो जो हमसे कहना है बोलिए फटफट। अठारह तारीख से बात से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, एक वक्त की जमात जी, हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। और हाँ बाबा बिल्कुल, बहुत कमजोर हो गए आप, हमने देखा वीडियो में, देखा हमने जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा अभी यही कोर्ट में ही है, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं, यहाँ डाली बाग वाली को अदालत में है, हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं, अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। दो दिन, चार दिन, पाँच दिन आओ ताकि हम उठ सकते, हम बैठ नहीं पा रहे बाबू, और हम नहीं हो, हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल जहर कसा बसर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आपके, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज, आपका आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा रख तभी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाएगी, बिल्कुल रहेगी पापा इंशाल्लाह, बिल्कुल अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उमरा सब कराएंगे, आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है, शफुल मखलूकात हैं पापा, और आप हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से हैं, कोई और रहता तो अब तक मर गया होता पापा, आप बहुत हिम्मत से हैं। देखो बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, मतलब व्हील चेयर पे आए हैं और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो पा रहे, हम अभी जी बाबा, हम अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में, सब जल्दी बेहतर होगा पापा, आप इसी पे कोशिश किया करिए कि आके अपनी सब बातचीत आपसे कहिए पापा हर जगह।
कहा नहीं पास तो फ्लैट नहीं है, आज आए थे ना तो फिर आए थे तो बेहोश हो गए। पापा वॉशरूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है कि एकदम हो ही नहीं रहा बात को? नहीं नहीं, 10 दिन से न मोशन हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। जल्दी जल्दी सही हो जाएंगे पापा, हम लोग पढ़ के फूक रहे हैं, आपको जमजम और खजूर भेजेंगे या हम आएंगे तो लेके आएंगे आपके लिए। जमजम से पापा लेके आए हैं सऊदी अरब से, जमजम और खजूर लेके आएंगे आपके लिए और फल। 5 दिन जी जरूर पापा, जरूर जी पापा, जल्दी करा रहे हैं। भैया से भी इसी पे बात हुई थी अभी मेरी, आप 15-20 मिनट यहाँ जस्ट आप बात कराए मेरी वीसी पे, वीसी पे बात हुई थी यहाँ लखनऊ पेशी पे हम आए हुए हैं कचहरी में, यहाँ वीसी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई है भैया से मेरी, वो ठीक है बस आप ही के लिए परेशान है, भाभी मिल के भी उससे आ जाएंगे। बस वो वही 2-3 दिन रुका करे, थोड़ा बच्ची तो खर्च भी कम लगेगा करना। जी पापा आप बस हिम्मत रखिए और हम लोग जल्दी मिलने आएंगे आपसे, अगर आर्डर हो जाएगा तो कल नहीं तो फिर 2-3 दिन बाद आएंगे सोमवार मंगल। अभी इस लायक बॉडी नहीं है तुम हमें बोल पाओगे। मुख्तार अंसारी को आपने सुना, अपने बेटे से अपनी तबीयत के बारे में वो बातचीत कर रहे थे, अपनी हालत के बारे में भी बता रहे थे। लेकिन इस बीच आपको बता दें अब इस पूरे मामले को देखते हुए परिवार क्या कह रहा है, किस तरीके से जांच की बात कर रहा है, इस बारे में आपको बता दूं मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश सुबह से परिवार वालों के साथ है, उनके साथ लगातार संपर्क में है, मामले की जांच को देखते हुए परिवार की तरफ से क्या मांग की जा रही है रुपेश से बात होगी, साथ ही जहां पर इन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा वहां से कुमार कुंदन इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पंकज जी हमारे सहयोगी रूविंग एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि जहां इस वक्त पोस्टमार्टम हो रहा है वहीं पर हॉस्पिटल के बाहर से पंकज जी हमारे साथ हैं और मामले की जांच को देखते हुए किस तरीके से बड़ी खबरें आ रही हैं, क्योंकि हम ये सबसे पहले समझने की कोशिश सुबह से कर रहे हैं कस्टोडियल डेथ नियम क्या कहते हैं, किस तरीके से पूरे मामले की जांच होगी। पंकज जी देखिए, पहली बात जो कस्टोडियल डेथ हुआ है और उसमें सबसे पहले एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट से जांच कराई जाती है और उसमें बांदा के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दे दिए हैं। गरिमा सिंह को 1 महीने का समय दिया है गया है और 1 महीने में उसकी जांच करके दे देंगी। अभी हम जहां खड़े हैं बांदा में जो दुर्गावती मेडिकल कॉलेज है वहाँ से अभी कुछ देर पहले मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी वहाँ जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए गए। इस दौरान उन्होंने कहा, दावा किया कि अभी तक पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ है और वो चाहते हैं, इस बारे में उन्होंने बांदा की डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को चिट्ठी भी लिखी है कि एम्स के डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाए, उन्हें यूपी के मेडिकल सिस्टम पर भरोसा नहीं है। जो यूपी सरकार की तरफ से तय किया गया है कि प्रयागराज और कानपुर से जो सीएमओ रैंक के सीनियर डॉक्टरों का 5 डॉक्टरों का पैनल जो है वो पोस्टमार्टम कर रहा है, तो अभी बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है, परिवार कुछ और कह रहा है और सरकार की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से इस बारे में क्या कोई बात सामने आई है कि परिवार जो पोस्टमार्टम अलग डॉक्टर्स की टीम से कराने की मांग कर रहा है? उनकी तरफ से यही कहा गया कि इस पूरे केस को और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को लेट लतीफ करने के लिए कोशिश की जा रही है। सवेरे जो हमारी बात हुई थी आपसे, कुछ देर पहले भी बात हुई थी इनफैक्ट यूपी की जो डीजीपी है प्रशांत कुमार, उन्होंने कहा कि कोशिश यही होगी कि हर हाल में पोस्टमार्टम खत्म करके आज किसी भी तरीके से सुपुर्द खाक मुख्तार अंसारी का वहाँ पर उनके अपने गाँव में करा दिया जाए। फिलहाल पोस्टमार्टम को देखते हुए जो खबरें आ रही है पंकज जी इस बारे में बता रहे थे, लेकिन जहां पर सुपुर्द खाक किया जाएगा वहीं से कुमार कुंदन भी हमारे साथ हैं। अब खबर यही है कि शाम को सुपुर्द खाक किया जा सकता है क्योंकि जाहिर सी बात है पोस्टमार्टम को देखते हुए इस वक्त जो खबरें आ रही है, परिवार मांग कर रहा है कि एम्स के डॉक्टर से पोस्टमार्टम करवाया जाए, जबकि जो पूरे प्रक्रिया है उसके तहत इस पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी होगी। अब सुपुर्द खाक जहां पर किया जाएगा वहां की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल खबर यही है कि देर शाम का वक्त होगा जब उन्हें सुपुर्द खाक किया जा सकता है। गाजीपुर में दफनाया जाएगा मुख्तार का शव और कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाने की तैयारी की ही ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि माँ बाप की कब्र के बिल्कुल बगल में मुख्तार को दफनाया जाएगा, कब्रिस्तान के बाहर भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा चुके हैं। अब गाजीपुर के मोहम्मदाबाद इलाके के कालीबाग में मुख्तार अंसारी की कब्र जहां खोदी जा रही है
टीवी 9 संवाददाता कुमार कुंदन वहीं पर हैं। जब वो यहां पर पहुंचे तो उन्हें मुख्तार अंसारी का बचपन का एक दोस्त मिला जो अब मुख्तार अंसारी की कब्र खोद रहा है। इस वक्त हम गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के कालीबाग में मौजूद हैं। ये वो जगह है, पुश्तैनी जगह है मुख्तार अंसारी का, जहाँ पे उनके सारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको यहाँ पे दफनाया गया है और उन्हीं के सामने मुख्तार अंसारी को भी दफनाया जाएगा। सबसे पहले लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं। एक बात बताएं, पहले अपना शुभ नाम बताएं, क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद इरशाद है। इरशाद साहब, एक बात बताएं कि ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में क्या सिर्फ और सिर्फ मुख्तार अंसारी के ही परिवारजनों को सुपुर्द खाक किया गया है? सर, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कब्रिस्तान है उनका पैतृक कब्रिस्तान है, तो यहीं पे उनके लिए भी कब्र तैयार जी ये सामने कब्र तैयार की जा रही है। हम लोग कब्र की पूरी प्रक्रिया तैयारी करा रहे हैं। अब जब तक पोस्टमार्टम, अभी तक तो सुनने में आया कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, तो पोस्टमार्टम होने के बाद भी लगभग 6 से 7 घंटा लगेगा यहाँ बॉडी लेके आने में, तो तब तक के लिए ये प्रक्रिया हम लोग रेडी कर रहे हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया आने के बाद देखा जाएगा। आपका नाम क्या है? गिरधारी। अच्छा गिरधारी जी, कब आप लोगों को बताया गया और सारी तैयारी कब से शुरू की आप लोगों ने? 9 बजे से लगा है। सुबह 9 बजे से लगे हुए? अच्छा, कितना समय और लगेगा? सफाई अभी 1.5-2 घंटा लगेगा। 2 घंटा और लगेगा। अभी विधायक जी को से व्यक्तिगत परिचय था आपका? मानते थे आपको? अच्छा, बात करते थे आपसे? कभी कभी हो जाता है। अच्छा, तो आपकी कोई परेशानी वगैरह होती थी तो सब उसको समाधान कर देते थे? अच्छा, बहुत मानते थे आपको? कब पता चला फिर आपको विधायक जी के बारे में? 9 बजे करीब। अच्छा, रात में। आपका भी विधायक जी से परिचय था? जी। अच्छा, कितना मानते थे आपको? बहुत मानते थे। अच्छा, बचपन से साथ देखे थे, इसी गांव में हैं और रहते हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं संजय जी आप वैसे? ईटा पाते हैं। अच्छा, कबर भी खन देते हैं। अच्छा, कभी सोचा था विधायक जी के लिए ऐसा भी करना पड़ेगा? नहीं। परेशानी वगैरह होती थी तो विधायक जी सब समाधान कर देते थे? हाँ जी। अच्छा, और कब पता चला फिर आप लोगों को सब कुछ? हम लोग को सुबह पता चला। अच्छा, ठीक है। विधायक जी से अंतिम बार कब मिले थे आप लोग? बहुत दिन हो गए पर हम तो मिले गए। सुबह 9 बजे से ये कब्र बनाने की तैयारी चल रही है और अभी वक्त लग भी रहा है। सबके लिए अलग अलग छवि थी। कुछ लोग ऐसे थे जिनके लिए विधायक मुख्तार जो है वो रॉबिनहुड वाली छवि थी, और कुछ लोग ऐसे थे जो डॉन वाली छवि थी। तो अलग अलग छवि के लोग हैं। और अभी देखिए, जो दो लोग उनकी कब्र खोद रहे हैं, एक संजय, एक गिरधारी, जो उनके बचपन के उनके जानने वाले हैं, वो लोग उनके कब्र के अंतिम सुपुर्द खाक की तैयारी कर रहे हैं। सीधे गाजीपुर से कालीबाग का ही रुख करते हैं। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। कुंदन, 5 डॉक्टर्स की टीम इस वक्त पोस्टमार्टम कर रही है, कितना वक्त लगेगा? क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से अभी आपकी लोगों के साथ बातचीत की हमने रिपोर्ट देखी, काफी लगाव है इन सबका अंसारी के साथ। देखिए, दो छवि है सुरभि मुख्तार अंसारी की, एक छवि रॉबिनहुड सिंह की और दूसरी छवि जो है वो बाहुबली की है। और उन दोनों छवि के बीच अगर आप जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ वहाँ देखेंगे तो कोई शख्स ये मानने को तैयार नहीं है कि उसकी रॉबिनहुड के अलावे भी कोई छवि हो सकती है। शायद यही वजह है कि पूरे इलाके के लोग कब्र जब खुद रही है वो भी आके देख रहे हैं और उसकी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। यह बताता है कि वह आदमी इस पूरे इलाके में कितना पॉपुलर था और उसकी क्या छवि थी लोगों के बीच। और यह छवि बताने के लिए काफ़ी है कि कहते हैं कि किसी के जनाजे में कितने लोग आए, इससे पता चलता है कि वो आदमी कितना रसूखदार था। तो ये जो जनाजे की तो बात छोड़िए, जनाजे की तैयारी जो चल रही है उसमें आपको इतने लोग दिख रहे हैं, तो शाम को जब जनाजे की नमाज होगी उसकी क्या स्थिति होगी, इसका अंदाज़ा आप सहज लगा सकते हैं। जहाँ तक तैयारियों की बात करें तो ये तैयारी लगभग पूरी हो गई है। मुझे लगता है अगले 1 से 1.5 घंटे में ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। आम लोग भी मौजूद हैं। क्या थे आप लोगों के लिए मुख्तार अंसारी? हम लोग के लिए मसीहा थे, बहुत अच्छे इंसान थे। अब क्या कहें, बात करिए कि क्या क्या यादें हैं आपकी मुख्तार अंसारी के साथ? हम लोग एक तरह से बहुत भगवान ही थे। हम लोग गरीबों के अलावा भगवान जो है, दूसरों के भगवान हो तो हम लोग के लिए भगवान थे। कोई भी काम, कोई भी गरीबी, ब्याह शादी, कोई दिक्कत होता था उनके जाने पर तुरंत सुनवाई होता था। हर अगर ये नहीं रहते थे कहीं जा, हम लोग जाते थे तो कहीं सुनवाई नहीं होता, इनसे कहा जाते थे इन्हें तुरंत बात काम हो जाता था। कब पता चला आप लोगों को? हम लोग को
9-10 बजे करीब पता चला है। कुछ शख्स ऐसे भी है जिनको वो बाहुबली और तमाम तरह की चीज़ों को तो देखते हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? इसको तो हम सीधे से नकार देते हैं। हाँ बिल्कुल, इसको मैं सीधे तौर से नकारते हैं, ऐसा कोई बात है नहीं। ये शख्स सबके लिए बेहतर थे और हाँ उनका नजरिया अलग है, लेकिन ये निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे इंसान थे। अपना देखने वाला नजरिया, कोई माफिया कहता है, कोई डॉन कहता है, कोई मसीहा कहता है, कोई भगवान कहता है, सब यहाँ के लिए सबके लिए ठीक थे वो। आपके लिए किस तरीके से थे? वो अच्छा आदमी थे, हाँ नेक आदमी थे। किसी का बेटी बहन का शादी में 10,000-5,000 दे के वो सहयोग करने वाले थे। हाँ, जब कोई अच्छा रहता है उसके पीछे बुरा तो लग ही जाता है। और यही वजह है कि उनके अंतिम सफर की जब आप बात कर रहे हैं तो जो लोग इस इलाके के हैं वो यहाँ पर जुटना शुरू हो चुके हैं। मैं जल्द आपके पास कुंदन वापस आऊंगी, क्योंकि खबर यही है कि मऊ और गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है और गाजीपुर में पुलिस प्रशासन अलर्ट है, यहाँ तक कि गलियों में भी पैदल मार्च किया जा रहा है। बांदा में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम को लेकर खबर है, मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती जिस तरीके से की गई है, यही वजह है कि इस वक्त के हालात को देखते हुए बड़ी खबरें मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम, इस पूरे मामले की जांच और जहां पर उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाना है वहां की भी लगातार तस्वीरें सामने आ रही है कि किस तरीके से गाजीपुर और साथ ही इसके अलावा मऊ में एक धारा 144 लागू कर दी गई है, पुलिस प्रशासन अलर्ट है, पैदल मार्च कर रहा है, सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा चुके हैं, पुलिस कर्मियों की तैनाती को लेकर खबर है। अब मुख्तार अंसारी, यूपी के वो बाहुबली जिसकी तूती मऊ गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक बोलती थी, जिसने भी मुख्तार से दुश्मनी मोल ली उसका नामो निशान मिट गया, यहां तक कि प्रशासन से जुड़े ऑफिसर्स ने मुख्तार अंसारी पर एक्शन लेने की कोशिश की तो उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह जनवरी 2004 में वाराणसी में तैनात थे। शैलेंद्र सिंह ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से पहले मुख्तार अंसारी के एलएमजी खरीदने का राज फाश किया था। उन्होंने ही एलएमजी बरामद कर मुख्तार अंसारी पर पोटा भी लगाया था और इस पर तब की सरकार में हंगामा मच गया। शैलेंद्र सिंह पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाए जाने लगा। शैलेंद्र सिंह ने इससे इनकार कर दिया तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। इसी वजह से उन्होंने डिप्टी एसपी पद से इस्तीफा दे दिया था। आपको सुनना चाहिए, हम आपको सुनाते हैं पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह की आंखों देखी किस कदर मुख्तार अंसारी खौफ का दूसरा नाम था। शैलेंद्र सिंह की जुबानी सुनिए। देखिए, मैंने जैसा पता है सबको कि लाइट मशीन गन रिकवर कर ली और पोटा कानून उस समय एग्जिस्ट करता था तो मुख्तार पे पोटा लग गया था और पोटा कानून बहुत ही हीनियस क्राइम पे लगता है, देशद्रोह के कानून पे लगता है और लाइट मशीन गन भी आर्मी की चुराई हुई थी जम्मू कश्मीर से, तो मुख्तार बहुत बुरी तरह फंस गया था। और उस समय मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत की सरकार होती थी, 2003 में मायावती जी की सरकार तोड़ के इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, तो पूरा दबाव बनाया गया कि मुख्तार के आँच ना आवे मुख्तार पर और इस केस से उसका नाम निकाल दिया जाए। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से बार बार हमसे कहलाया गया, हम तक ये मैसेज दिया गया कि आप मुख्तार का नाम निकाल दीजिए। तो मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि सर, आपको भी मालूम है कि एक बार FIR दर्ज हो जाने के बाद कोई बदल नहीं सकता है, तो आप लोग ये कैसे मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? तो इन लोगों ने ऊपर बात किया, फिर ये बात रखी तो ऊपर से फिर जैसा इनको निर्देश मिला कि ठीक है FIR वो दर्ज हो गई, कोई बात नहीं, अब विवेचना कोई और करेगा। तो इन लोग मुझे तो नहीं डायरेक्ट कुछ कर पा रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली इन लोगों ने पूरी कोशिश की धमकाने की, जैसे मेरा परिवार कहीं जा रहा हो तो उस पर आगे पीछे जाके, एक बार तो उसके ऊपर चिरा झपटी की भी नौबत आई दिखाने के लिए था, जबकि अटैक था मैं जानता था। मेरी गाड़ी में कहीं जा रहा हूँ तो आगे पीछे क्रॉस की जाती थी कई गाड़ियाँ, बार बार मतलब ऐसा चलाया जाता था कि मैं टकरा के कहीं गिर जाऊं। तो ये सब तरीके इन लोगों ने आजमाए थे, इवन मारने के लिए शूटर भी बुलाए थे, जो समय समय पर मुझे मिली सूचना तो मैंने तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी, तो बहुत हथकंडे। हाँ बिल्कुल सही बात है, जब मैं रिज़ाइन किया तो मुझे सरकारी आवास खाली करना पड़ा और कहीं भी मैं जाता था मकान लेने के लिए किराए के, तो वहाँ पर धमकी पहुँच जाती थी कि आप इसको मकान न दें। शाम को हमने सामान रखा, सवेरे खाली करना पड़ता था। इवन मैं सोचा तंग आके कि अब तो मुझे अपना कोई फ्लैट ले लेना चाहिए या ज़मीन, तो मैंने बैंक में जाऊं तो कहे पे स्लिप नहीं है, आपको कहां से मिलेगी, अब तो सर्विस भी नहीं है आपके पास। तो मैं सोचा कि किसी कंपनी को ज्वाइन करके कहीं पे स्लिप प्राप्त कर लूँ, उससे ये सब कर लूँ, तो वहाँ भी धमका दी जाती थी कि नौकरी इनको मत रखिए।
तो ये सब भी दिन देखा हमने, बहुत मुसीबतें उठाई। 20 साल का लंबा समय होता है बहुत, भगवान राम भी 14 साल का वनवास था, मेरा तो 20 साल स्ट्रगल रहा। अब जाके मुझे इस बात का संतोष है कि नहीं, सच की जीत होती है, जो बुरा कर्म जिसने जैसा किया है कर्म उसके सामने आएंगे, हमने अच्छा किया तो मैं आज आपके बीच में बैठा हूँ और उसने जो किया है आज उसके कर्म उसके सामने है। शैलेंद्र सिंह को आपने सुना, जिन्होंने मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा था। लेकिन इस बीच हम आपको इस वक्त की खबर बता रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से पोस्टमार्टम को लेकर खबर आ रही है। 5 डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम कर रही है और मामले की जांच को लेकर भी खबर बढ़ी है। रुपेश कुमार हमारे सहयोगी उस जगह पर है जहां परिवार के सदस्य हैं। सुबह उन्होंने अंसारी के ही बड़े भाई से बात की थी, अब इस वक्त पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टर से कराया जाए, रुपेश ये मांग उनके बेटे कर रहे हैं। और इस बीच जांच को लेकर फिलहाल उनके बड़े भाई क्या कह रहे हैं। देखिए बिल्कुल सुरभि, सुबह मैंने उनसे बातचीत की थी और बातचीत के बाद भी जब हम उनके पास बैठे थे तो उन्होंने कहा था कि हमें भरोसा नहीं है कि अगर मेडिकल कॉलेज के में अगर वहां पर पोस्टमार्टम होता है या फिर जिला हॉस्पिटल में, ये बातचीत जो हुई वो भी बताएं और तस्वीरें भी दिखाएं, उस पर उनको भरोसा नहीं है। लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने आप देखिए एक बड़ी चुनौती, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, हर आधे घंटे के बाद भीड़ इतनी हो जा रही है कि भीड़ को यहाँ से हटाना पड़ रहा है लोगों को। और स्थानीय लोग भी, उनके परिवार के लोग भी लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप यहाँ खड़ा ना हो, आप अपने अपने घर जाएं, क्योंकि अब शव को आने में अभी वक्त लगेगा। हालांकि लोगों को ये उम्मीद थी कि सुबह ये सूचना आई कि 9 बजे अगर पोस्टमार्टम होगी तो उसके बाद से शायद 10 बजे से वहाँ से चले तो 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा, लिहाजा 3 बजे के आसपास वो यहाँ पहुँच सकते हैं। और उस हिसाब से लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। सुबह जो स्थिति थी, पहले सुबह लोग पहुँच गए थे, रात में जो भीड़ हुई थी, रात में मुख्तार अंसारी के भतीजे सोहेल अंसारी और सलमान अंसारी ने लोगों से अपील की थी कि आप अपने घर जाएँ, और प्रशासन के लोगों ने भी अपील की थी, लिहाजा लोग अपने अपने घरों को चले गए थे। कुछ लोग पूरी रात जो फाटक के सामने ही उन्होंने आंखों आंखों में रात गुजार दी है परिवार के साथ, लेकिन अहले सुबह ही लोग इकट्ठा हो गए थे। धीरे धीरे जब ये सूचना आई कि 9 बजे पोस्टमार्टम होगा, यानी कि जो शव है वो 3 बजे के बाद यहाँ पर पहुँचेगा, लिहाजा 2 बजने के बाद से ही भीड़ शुरू हुई। और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो प्रशासन के अधिकारी हैं और पूरा ये जो फाटक का इलाका है, इस पूरे इलाके में हर गली में एहतियातन सुरक्षा के इंतजाम किए गए। हालांकि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि खामखा प्रशासन डरा हुआ है, उनको लग रहा है। और परिवार के लोग जब भी यहाँ भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है, परिवार के लोग यहाँ पहुँच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई जिंदाबाद की नारेबाजी। अभी कुछ देर पहले, महज 2-4 मिनट पहले यहाँ पर मुख्तार अंसारी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, तो परिवार के लोगों ने ही उसका विरोध किया कि आप अपने अपने घरों को जाए, यहाँ पर नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। प्रशासन के लोगों ने भी अपील की, लिहाजा लोग अपने अपने घरों की तरफ, यहाँ से भीड़ थोड़ी छटी है, लेकिन हर आधे घंटे के बाद यही स्थिति यहाँ पर पैदा हो जा रही है। कुछ नई टीम, कुछ नए लोग पहुँच जा रहे हैं और ये बताया गया है कि जो मनु अंसारी हैं विधायक, उन्होंने कहा कि उनके तरफ से लोगों को सूचना दी जाएगी कि जैसे ही वो आने वाले होंगे, क्योंकि अब देर शाम नहीं बल्कि देर रात हो सकता है और उसके बाद परिवार अब डिसाइड करेगा कि देर रात ही। हालांकि प्रशासन की ये कोशिश है कि अगर देर रात भी यहाँ पहुँचते हैं तो देर रात भी उनको सुपुर्दे खाक कर दिया जाए, जो जनाजे की नमाज होती है वो अदा करने के बाद से उनको सुपुर्दे खाक वहाँ पर कालीबाग में जहाँ पर कुंदन मौजूद हैं वहाँ पर उनको सुपुर्दे खाक कर दिया जाए। लेकिन अब कितना वक्त लगता है पोस्टमार्टम करने में, उसके बाद भी कुछ औपचारिकताएँ होती हैं, उन औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद 6 से 7 घंटे का वक्त लगेगा और प्लान रूट ए और बी तैयार किया गया है। ये रूट आखिर होगा क्या, मैं जल्द आपके पास वापस आती हूँ और पंकज जी से भी इसको लेकर सवाल करूंगी कि आगे की पूरी प्रक्रिया पोस्टमार्टम के बाद भी क्या होगी। लेकिन उससे पहले एक पुराना ऑडियो आपको सुनाते हैं, जब मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी और अभय सिंह के बीच हुई बातचीत का ये ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि TV9 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। हम मुलाकात बैठे थे ना। हाँ बाबू, तो हमके अंदर का भी बात किया गया। अब हल्ला है, देखते हैं, टीवी पर आ रहा है इस चार तारे, उस पर क्या दिखा रहा है टीवी पर कि गाजीपुर विधायक कृष्णानंद राय के ऊपर हमला, 7 लोगों के मरने की खबर। 7 लोग मरे? हाँ ऐसे ही आ रहा। आप विधायक बचे हैं, क्या विधायक कह सकती है? ये तो टीवी पर कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन चर्चा ये है कि वो मारे जा चुके हैं।
विधायक मारे जा चुके हैं। अच्छा हुआ आप ईश्वर के उससे क्या कहते हैं कि आप बंद हो गए, नहीं तो फिर दो इसको आप ऊपर आरोप लगा। हाँ सर, हम ही को करते हैं, दुश्मनी उन्हीं लोगों से चल रही थी। जी जी, मनमुटाव हम ही लोगों से था राजनीति। हम कहते कि आप ऐसे बंद हो, विधायक दिन से नहीं बंद रहे। क्यों भैया? हाँ जी, तो चलो हम तो बहुत खुश हैं। हाँ, इनको पाप करता भैया, पापी था बहुत लोग करता था वो। हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये हम लोग का एकदम विरोधी था और जितना करना पड़ता है इसका, जितने भी मारा है ठीक काम किया, हम लोग खुश हैं। और कल को इसका प्रचार करना पड़ता भैया उन लोगों को। तब अब कराओ प्रचार इनकी। बहुत दुखी था भैया, बांध के हुआ है अब तो नहीं है। आज भी 25 दिन में पहली बार खबर अच्छी मिली है। अब तो नहीं ना दुखी है शेर, बिल्कुल वही इतनी खुशी हमको इस पर कदम बता रहे हैं। जिला पंचायती वाले देख लो डायमंड सब आशीर्वाद भैया। ठीक है, ठीक है बाबू, ओके। तो ये उस वक्त की बातचीत का एक ऑडियो इस वक्त वायरल हो रहा है और यही वो केस था जिसके बाद क्राइम की दुनिया में भी मुख्तार का रुतबा बढ़ता गया। लेकिन इस बीच एक वक्त की खबर बताते जहां मुख्तार के बेटे उमर अंसारी का एक बयान सामने आया है और कह रहे हैं कि अस्वस्थ होने के बावजूद जेल भेजा गया, पिता ने जहर देने की बात बताई थी, पेट फूला हुआ था तो हार्ट अटैक कैसे, सब साफ है, सब दिख रहा है। उमर अंसारी की तरफ से क्या कहा गया सुनिए। नहीं मिलने दिया गया, ताकने भी नहीं दिया गया, देखने भी नहीं दिया गया। सांसद जी मेरे बड़े अब्बा मिल पाए थे और मुझे उन्होंने कहा था कि भैया हमको जहर दिया गया है जिससे मेरे आते लगता है कि फट जाएगी, इतनी मुझे दर्द और तकलीफ। और आज भी जो वीडियो वायरल है उसमें आप देखिए उनका पेट कितना फूला है, हार्ट अटैक है। जो इंसान को आप लाद के लेकर आते हैं कि वो ICU में भर्ती किया जाएंगे, उनकी हालत गंभीर है। पंकज जी हमारे रोविंग एडिटर इस वक्त हमारे साथ हैं। पंकज जी, दो ऑडियोज हमने यहां पर सुने थे, अपनी सेहत के बारे में खुद मुख्तार अंसारी अपने बेटे को बता रहे थे और एक ये पहले का ऑडियो जो कि 15 साल पुराना बताया जा रहा है। क्राइम की दुनिया के रुतबे के साथ साथ मुख्तार अंसारी की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज के हालात में भी पोस्टमार्टम के बाद जहां सुपुर्दे खाक करना है उस पूरे रूट को देखते हुए भी बाकायदा कुछ प्लानिंग की गई है। देखिए बिल्कुल, और यहाँ से गाजीपुर जाना है और करीब 7-8 घंटे का रास्ता लगता है और तमाम ज़िलों में यहाँ से जब निकलेगा उसका जनाजा तो जो रास्ते में शहर पड़ते हैं, ज़िले पड़ते हैं, उन सभी ज़िलों के DM और SP और उस इलाके लगने वाले पुलिस थानों को अलर्ट किया गया है। हालांकि अभी तक कोई ऐसे इनपुट नहीं मिले हैं कि कहीं से आज जुम्मा होने के बावजूद भी कोई शांति व्यवस्था गड़बड़ हो सकती, इस तरह के कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं मिले हैं। और मुझे जो जानकारी मिली है कि अब से कुछ देर बाद यहाँ से बॉडी लेकर ये बांदा पुलिस और जो मुख्तार के बेटे उमर अंसारी जो यहाँ आए हुए हैं वो सब लोग निकलेंगे थोड़ी देर में गाजीपुर के लिए। तो पूरा रूट प्लान किया गया है, उसको चेकआउट कर लिया गया, सवेरे भी DGP हेडक्वार्टर से बातचीत हुई है। कहीं से अभी तक जैसा हम कह रहे हैं कल रात से जितना अलर्ट किया गया है तो कहीं से एक कंकड़ भी नहीं गिरा है ना फेंका गया है। ये यूपी पुलिस की एक तरीके से कह सकते हैं कि उसने इस तरीके से इंतजाम किए कि कोई अप्रिय घटना अभी सामने नहीं आई है। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से, जिस एंगल से इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, ऐसा क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। और पंकज जी मैं चाहूंगी आप मेरे साथ बने रहे क्योंकि एक लिस्ट अब हम सामने रखने वाले हैं, पिछले 4 साल में यूपी के किन किन माफियाओं की मौत हुई है ये देखिए। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख कर रही हूं क्योंकि यूपी के माफिया एक एक कर मौत की जो खबरें सामने आई हैं उसमें मुख्तार अंसारी की आज हम बात कर रहे हैं जहां हार्ट अटैक से मौत की ये बड़ी खबर है। इससे पहले 15 अप्रैल 2023 जब अतीक अहमद प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में मर्डर की ये सबसे बड़ी वारदात सामने आई थी। इसके अलावा जुलाई 2018 बागपत जेल में हत्या का मामला मुन्ना बजरंगी का और संजीव जीवा जून 2023 लखनऊ कोर्ट में हत्या। ये जो 4 नाम इस वक्त पंकज जी इंफॉर्मेशन वॉल पर मैं दिखा रही हूं उसमें 2 नाम और हैं इस फेरिस्त में जहां 10 जुलाई 2020 को विकास दुबे हिरासत से भागने की कोशिश में एनकाउंटर को लेकर बड़ी खबर आई थी और अनिल दुजाना मई 2023 UPSTF ने इसे मार गिराया था। ये जो दबदबा और जिस तरीके से एक्शन लिए गए
क्या यही सबसे बड़ी वजह है कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए साजिश और मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं? पंकज जी, बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो इतने पिछले 40 साल से उसके खिलाफ मुकदमे हो रहे थे, और सुनिए जानिए आप कि बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का जो अपने अपने ऑडियो सुना, इसकी हालांकि हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उसमें जिस तरीके से बातें कही जा रही है, इस पूरे मामले में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट से मुख्तार अंसारी बरी हो गया है। अब उस मामले में ऊपरी अदालत गए हैं लोग। अभी जो आप अनिल दुजाना और विकास दुबे को अगर छोड़ देते हो, बाद बाकी जो चारों मामले थे, मुन्ना बजरंगी तो राइट हैंड माना जाता था, जो बागपत जेल में मारा गया वहाँ पर, वो मुन्ना बजरंगी एक तरीके से कहा जाता था कि वो मुख्तार अंसारी का सबसे बड़ा शार्प शूटर था। अतीक और उसके भाई अशरफ से भी उसके ताल्लुकात थे। तो हाल के कुछ महीनों में देखें यूपी में इस तरीके के जो ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ बड़ी तेज़ी से कार्रवाई हुई है। मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूं कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पीछे हलचल तेज़ हो गई है। जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि मुख्तार अंसारी का जो पोस्टमार्टम हो रहा था, करीब 10:25 पर शुरू हुआ था, वो पोस्टमार्टम खत्म हो गया। हालांकि मुख्तार अंसारी के बेटे जो उमर अंसारी अब से कुछ देर पहले जुमे की नमाज़ पढ़ने निकले थे, उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ और हम मांग करते हैं कि एम्स के डॉक्टरों की टीम ये काम करे। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, पीछे मैं हलचल दिखाना चाहूँगा, पुलिस फोर्स और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ जमा हो रही है, और जो गाड़ी होती है शव को ले जाने के लिए वाहन, वो वाहन तैयार किया जा रहा है। यानी अब से कुछ देर में ही यहाँ से मुख्तार अंसारी की बॉडी को गाजीपुर ले जाने की तैयारी की जा रही है। सहयोगी, इस वक्त पीछे जो हलचल बढ़ रही है उसी के तहत इस वक्त एक बड़ी खबर दे रहे हैं पोस्टमार्टम को लेकर और मामले की जांच को लेकर भी पंकज जी ने इस वक्त हमें बड़ी खबर दी है। साथ ही ये सीधी तस्वीरें भी आप यहां पर देख लीजिए। ये हम आपको बता दें, हमारे सहयोगी पंकज झा उस जगह पर मौजूद है जहां हॉस्पिटल में इस वक्त मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम हो रहा था, और बांदा मेडिकल कॉलेज से ही इस वक्त की ये लेटेस्ट खबर वो बता रहे हैं कि सुबह 10:30 का वक्त था जब पोस्टमार्टम की शुरुआत हुई और पोस्टमार्टम की बकायदा वीडियोग्राफी भी की गई है, और अभी खबर आ रही है कि ये पोस्टमार्टम हो चुका है। हालांकि जांच को लेकर एक क्विक अपडेट आपको दे दें, क्योंकि मुख्तार की मौत की मजिस्ट्रेट जांच होगी और बांदा डीएम दुर्गा शक्ति नागराज का ये आदेश। बड़ी खबर आपको जांच के साथ साथ पोस्टमार्टम को लेकर भी इस वक्त हम बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हॉस्पिटल के बाहर से हमें मिल रही है, मामले की जांच को लेकर भी, मुख्तार अंसारी की मौत की जांच को लेकर भी खबर बड़ी है, क्योंकि मुख्तार की मौत की मजिस्ट्रेट जांच होगी और बांदा डीएम दुर्गा शक्ति नागराज का ये आदेश। वही तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, और इस बीच एक महीने के अंदर ये रिपोर्ट सौंपनी होगी। लेकिन इस बीच पोस्टमार्टम को लेकर भी इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें पोस्टमार्टम अब बताया जा रहा है कि पूरा हो चुका है। 4 घंटे से जारी पोस्टमार्टम को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है बांदा मेडिकल कॉलेज से, जहां की हलचल की तस्वीर तो हमारे सहयोगी पंकज झा सीधे हमें दिखा रहे थे, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर है। और मैं करेक्शन करना चाहूंगी, बांदा डीएम मुख्तार की मौत की मजिस्ट्रेट जांच के जो आदेश दिए हैं वो बांदा डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल का आदेश है। एक बार फिर से आपको बता दें, जांच के साथ साथ पोस्टमार्टम को लेकर इस वक्त दो बड़ी खबरें आपको टीवी 9 भारतवर्ष बता रहा है, जहां मुख्तार की मौत की मजिस्ट्रेट जांच और इसी जांच के आदेश की ये कॉपी इस वक्त आप देख रहे हैं, और आपको बता दें बांदा डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल का ये आदेश, उसी आदेश की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं पोस्टमार्टम को लेकर भी फिलहाल बड़ी खबर है। हालांकि जिस तरीके से अभी पोस्टमार्टम को लेकर खबरें आ रही हैं, सीधा संवाद सीधी बात में हमारे सहयोगी रोविंग एडिटर पंकज झा से कर रही थी, जिन्होंने बताया कि पांच डॉक्टर्स की टीम की तरह वीडियोग्राफी के साथ ही ये पूरा पोस्टमार्टम किया गया है। और इस बीच परिवार उनके बेटे से भी हमारे सहयोगी पंकज झा ने बातचीत की, जो चाहते हैं कि एम्स के डॉक्टर ये करें पोस्टमार्टम, और उनकी तरफ से थोड़ी देर पहले ये बताया गया था कि पोस्टमार्टम नहीं शुरू हुआ, इसलिए जिस तरीके से पोस्टमार्टम को लेकर इस वक्त सीधी तस्वीर और बड़ी खबरें मिल रही हैं बांदा मेडिकल कॉलेज से, वही अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और टीवी 9 भारतवर्ष से मुख्तार अंसारी के बड़े भाई की बातचीत भी हम आपको सुनाएंगे। हमारे सहयोगी रुपेश ने बातचीत की थी सिगबुतला अंसारी से, मुख्तार की मौत को वो साजिश बता रहे हैं। आपको बता दें जेल में मुख्तार को खाने में जहर दिया गया, ये बात मुख्तार अंसारी के बड़े भाई की तरफ से कही गई। बड़े भाई साहब हैं, ये बताइए, लगातार आप लोग ये आरोप लगा रहे थे, पहले भी 40 दिन पहले ये कहा गया कि
उनको मारने की एक साजिश हो रही है, सुप्रीम कोर्ट तक में और हाई कोर्ट तक में लिखित दिया गया है, क्यों आपको यह अंदेशा था कि कुछ उनके साथ गड़बड़ हो सकता है? अब अंदेशा तो सच में बदल गया, क्यों कहा जाए कि क्यों नहीं था, ऐसी सब रिपोर्टें मिल रही थी और वही सत्य हुआ। झूठे वादे किए गए कि उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। आज से डेढ़ महीना पहले जेल कर्मियों ने जो उनका खाना चखा था वो सब के सब हॉस्पिटलाइज हुए थे, तो बात तो थी ही, लेकिन अब उनकी मौत इसी तरह ऊपर वाले ने शहादत की लिखी थी। हमारे धर्म के अनुसार किसी को अगर जहर दे के मारा जाए तो शहीद होता है, शहीद से अच्छी कोई मौत नहीं होती। तो आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी शहादत हुई है यानी उनको जहर देकर ही मारा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपोर्ट कहाँ क्या आती है, उस दिन पहले दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ब्लड रिपोर्ट सब नॉर्मल ला दी गई, पेट उनका आज भी गुब्बारे की तरफ फूला हुआ है, ऑपरेशन की सारी तैयारी के बाद ऑपरेशन नहीं करने दिया गया, तो सब क्या है ये तो साफ जग जाहिर है। क्यों ये साजिश होगी, क्या लगता है अगर कोई साजिश अगर हुई है तो क्यों ये साजिश रची गई होगी? अब क्यों का हम क्या जवाब दें, अब सब खुद दखलमंद है। किसने या किस ताकत ने ये साजिश की होगी? हर विरोधी ताकतों ने इसमें हिस्सा लिया है, कोई किसी रूप में कोई किसी रूप में, बहुत बड़ी इसके लिए साजिश रची गई थी। सरकार से या प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे अब आगे? नहीं, अंधे बहरों से क्या कहना है, ऊपर वाले से ही कहेंगे, वो उसका इंसाफ करेगा। लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, हालांकि जिस वक्त ये कहा गया कि खाने में जो है स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उस वक्त जेल के स्तर पर यह जांच कराई गई कि वही खाना वहां जो तैनात पुलिसकर्मी हैं, जेल कर्मी हैं, वो भी खाते हैं और अन्य जो कैदी हैं वो भी खाते हैं, तो क्या उसको आप खारिज मानते हैं कि वो अंदेशा आपका वो खारिज हो रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जेल का रिकॉर्ड बताएगा एक डेढ़ महीना पहले हुआ था ऐसा, और सारे जेल कर्मी जो टेस्ट किए थे खाना सब बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हुए थे, तो अब तो उन्हीं की कलम है जो चाहे लिखे। मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया, ये कहा गया कि कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट फेल हुआ है, और कुछ दिन पहले भी हार्ट अटैक आया था कुछ साल पहले। नहीं, हार्ट अटैक उनको कभी नहीं हुआ था, दम घुटने की एक तकलीफ हुई थी जिसमें वो बच गए थे, और इस बार तो हम लोग उन सारे सुप्रीम कोर्ट से लेके हर कोर्टों में ये अपनी खदशा अपने सूत्रों से मिली जानकारियों के अनुसार ये बात कहते रहे कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और डिनाई किया जाता रहा कि नहीं 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 नहीं। बहरहाल उनका इतने ही दिन जीवन था, शेर की तरह जिए, शेर की तरह दुनिया से गए। चलिए जल्द आपके सामने एक टाइमलाइन रखते हैं मुख्तार अंसारी को देखते हुए। 19 मार्च को जेल में खाने में जहर देने के आरोप को लेकर खबर, वहीं 25 मार्च को देर रात 3 बजे मुख्तार के पेट में दर्द, वहीं 26 मार्च मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, और 28 मार्च दोपहर 2:30 बजे का वक्त जब मुख्तार की तबियत खराब हुई। आपको यह भी बता दें, दोपहर 3:30 बजे डॉक्टर्स की टीम ने जिस तरीके से हालात को मॉनिटर किया, चेकअप किया, रात 8:30 बजे का वक्त था जब आईसीयू में इलाज को लेकर भी बड़ी बात कही गई, और रात 10:30 बजे मुख्तार की मौत की खबर भी सामने आई। हालांकि रुपेश, ये टाइमलाइन सामने रखी है क्योंकि इसी टाइमलाइन के साथ साथ वो ऑडियो सबूत भी अभी हमने थोड़ी देर पहले सामने रखा। इसे मैं ऑडियो सबूत इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि परिवार और बेटा ये दावा कर रहे हैं कि उनकी तबियत लगातार बिगड़ रही थी, बावजूद उनके आईसीयू से सीधा जेल ले जाया गया। जी देखिए, बिल्कुल ये एक आरोप है, और वो आरोप सिर्फ वहाँ उमर अंसारी ही नहीं लगा रहे हैं बल्कि उनके मुख्तार अंसारी के बड़े भाई भी यहाँ कह रहे हैं, और उनके जो भतीजे हैं मन्नू अंसारी वो भी ये बात कह रहे हैं। लेकिन जो ऑडियो क्लिप है जो
वार्तालाप हुई है बेटे के साथ या फिर बेटी के साथ, उसमें वो ये कहीं प्रशासन पे, जेल प्रशासन पे या किसी साजिश का कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत तबीयत ख़राब है, वो एक बार बेहोश भी हो जा रहे हैं, अब तो उनका शरीर समाप्त हो गया है, सिर्फ रूह रह गया है, इस तरह की बातें। लेकिन कभी अपने बेटे से ये अंदेशा उस बातचीत के दौरान ये उन्होंने नहीं जताई है, या फिर बेटे ने भी कभी उनसे ये नहीं पूछा है कि जो साजिश चल रही है क्या वो कुछ और आपको अंदेशा ऐसा हो रहा है। उस बातचीत में वो पूरी तरह से पारिवारिक बातचीत है, जिसमें बेटा बेटी अपने पिताजी को ढांढस बंधा रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपको हम ले चलेंगे, मक्का ले चलेंगे, जमजम और फल, तमाम तरह की वो बातें जो एक पुत्र अपने पिता को ढांढस बंधा सकता है, वो बातें हो रही हैं। लेकिन उसके बाद से जब उनकी मौत हुई तो उनके बड़े भाई ने कहा कि हम लोगों ने जो अंदेशा जताया था, चाहे वो कोर्ट में अंदेशा जताया या फिर जेल प्रशासन को इतला दिया कि कुछ ऐसा हो रहा है, उनकी जान को खतरा है, तो वो खतरा मौत के बाद से वो उनकी जो शंका थी, उनकी जो आशंका थी, वो सच साबित हुई है, ये उनके बड़े भाई ने ये कहा। लेकिन इन आरोपों को लेकर ही प्रशासन ने ये तय किया कि जो एक पूरी पारदर्शी तरीके से पोस्टमार्टम कराई जाएगी, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है और ऐसे में अगर आरोप लग रहा है कि वो कार्डियक अरेस्ट नहीं है, वो जहर दिया गया था, पेट फूला हुआ था, तो फिर हार्ट अटैक कैसे हो सकता है। लिहाजा उसके बाद से इतनी लंबी प्रक्रिया अपनाई गई, पूरी तरह से आप सेटिस्फाई हो जाएं कि डॉक्टरों की टीम किस तरह से पोस्टमार्टम करती है, उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई जाए कि बाद में अगर न्यायिक जांच आयोग या न्यायालय में इस तरह की कोई अगर उपस्थित करने की ज़रूरत पड़ती है तो वीडियोग्राफी जो कराई गई है वो उपस्थित कराई जा सके, और मौजूदगी में जो परिवार के लोग हैं, उनके बेटे हैं या फिर, और पंचनामा भी जो किया गया, पंचनामा में ड्राइवर तक को रखा गया और बाकी परिवार के सदस्य रखे गए और एक विस्तृत पंचनामा तैयार कराया गया, वो भी पूरी पारदर्शी तरीके से कराया गया। फिर जब पोस्टमार्टम शुरू हुआ तो उस वक्त भी परिवार के लोग वहां पे मौजूद थे, उस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई, क्योंकि उसके पहले मौत होने के बाद से ही जब उमर अंसारी वहां पहुंचे थे तो देर रात ही उन्होंने कहा कि इसमें एक बड़ी साजिश है। अगले सुबह जब TV9 भारतवर्ष ने उनके बड़े भाई से बात की, उन्होंने कहा कि बड़ी साजिश है, साजिशकर्ता कौन है सब पता है। लिहाजा ये बातें प्रशासन ने उन बातों को निर्मूल साबित करने के लिए, क्योंकि जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ उसमें कहा गया कि ये कार्डियक अरेस्ट है, लिहाजा थोड़ा विलंब नहीं किया गया कि पूरी प्रक्रिया को एक पारदर्शी रूप दे दिया। जिस तरीके से फिलहाल सभी लोग यहां पर जुट रहे हैं, सीधी तस्वीरें कुंदन के साथ साथ रुपेश आपने भी दिखाई, लेकिन एक और बड़ी खबर बता देती हूं, सुरक्षा के लिहाज से खबर बड़ी है, क्योंकि मुख्तार की मौत के बाद गाजीपुर में सुरक्षा तो बढ़ाई गई है। आपको बता दें मोहम्मदाबाद में भारी सुरक्षा बल की तैनाती को लेकर भी तस्वीरें सामने आई हैं। इस बीच परिवार ने समर्थकों से धैर्य बनाए रखने की भी अपील की है, और जिस तरीके से लगातार हर थोड़ी देर बाद लोग एक बार फिर से सड़क पर आ जाते हैं, लोगों की भारी भीड़ होती है, यही वजह है कि हर गली चौराहे में लगातार पुलिस मार्च भी कर रही है और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से मोहम्मदाबाद में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की जा चुकी है, और इस बीच एक क्विक रिएक्शन, एक क्विक रिस्पांस मैं कुमार कुंदन से लेना चाहती हूं। कुंदन, क्योंकि अभी हम ये बात ही कर रहे थे शुरू में कि किस तरीके से पूरा वक्त और रूट तय किया जाएगा जहां पर सुपुर्दे खाक किया जाना है उस जगह तक लाने के लिए। देखिए, एक आखिरी बात मैं बताना चाहूँगा कि बताया जा रहा है कि शाम हो जाएगी सुपुर्दे खाक करने में, तो बाकायदा लाइटिंग वाइटिंग और प्रॉपर तरीके के पूरा इंतजाम किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, और सिक्योरिटी पर्सनल पूरे इस जो कब्रिस्तान है उसके बाहर जो है उन्होंने डेरा डाल रखा है, तो निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत हो सकती है वो यहाँ पे पूरी कर ली गई है। और ये बताया जा रहा है कि रात को भी अगर वो उनका पार्थिव शरीर आता है तो उनका अंतिम जो क्रिया है सुपुर्दे खाक करने की तैयारी है वो चल रही है, जिसके लिए लाइटिंग से लेकर तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। तो ये पूरी तैयारी है सुरभि, वो यहाँ पे एक तरह से पूरी हो चुकी है। सुरक्षा के लिहाज से फ्लैग मार्च अभी भी पुलिस कर रही है, और कब्रिस्तान के बाहर, हालांकि मैं तस्वीरों में यहाँ से नहीं दिखा पाऊंगा पैन करके, लेकिन पूरी तरफ पुलिस खड़ी है। पुलिस थोड़ी देर पहले यहाँ आई भी थी, तकरीबन 10 से 15 पुलिस वाले आए थे और उन्होंने मौका का जायजा लेके यहाँ से फिर वो निकले। रुपेश, पंकज जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें आपके पास, हम जल्द वापस लौटेंगे। फिलहाल लाउड एंड क्लियर में इतना ही, वक्त हो गया एक ब्रेक का। मैंगो एयर कूलर। पूरी दुनिया में भारतीय मसालों को पहचान दिलाने वाले महर्षि दयानंद के परम अनुयायी नित्य यज्ञ कर्ता कर्मयोगी पद्म भूषण से सम्मानित महाशय धर्मपाल जी के जन्मदिन पर MDH परिवार आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता है।
LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, घर बसाएं, रिश्ते सजाएं। At Panasonic, we're working to change the way we power our businesses, our travel, our homes, our lives. Join us in pushing for change. तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दिल में आई एक शोख लहर सी, तेज हवा की बेफिक्र भंवर सी। सिर्फ एक टपकती बूंद आपकी किस्मत बदल सकती है, रखिए एमसील हमेशा। विरोधी ताकतों ने इसमें हिस्सा लिया है, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। बहुत बड़ी इसके लिए साजिश रची गई थी। सरकार से या प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे अब आगे? नहीं, अंधे बैरों से क्या कहना है, ऊपर वाले से ही कहेंगे, वो उसका इंसाफ करेगा। लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, हालांकि जिस वक्त ये कहा गया कि खाने में जो है स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उस वक्त जेल के स्तर पर यह जांच कराई गई कि वही खाना वहां जो तैनात पुलिसकर्मी हैं, जेल कर्मी हैं, वो भी खाते हैं और अन्य जो कैदी हैं वो भी खाते हैं, तो क्या उसको आप खारिज मानते हैं कि वो अंदेशा आपका वो खारिज हो रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जेल का रिकॉर्ड बताएगा, 1-1.5 महीना पहले हुआ था ऐसा और सारे जेल कर्मी जो टेस्ट किए थे खाना, सब बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो अब तो उन्हीं की कलम है, जो चाहे लिखे। मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया, ये कहा गया कि कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट फेल हुआ है और कुछ दिन पहले भी हार्ट अटैक आया था कुछ साल पहले। नहीं, हार्ट अटैक उनको कभी नहीं हुआ था। दम घुटने की एक तकलीफ हुई थी जिसमें वो बच गए थे और इस बार तो हम लोग उन सारे सुप्रीम कोर्ट से लेके हर कोर्टों में ये अपनी खदशा, अपने सूत्रों से मिली जानकारियों के अनुसार ये बात कहते रहे कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और डिनाई किया जाता रहा कि नहीं 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 नहीं। बहरहाल उनका इतने ही दिन जीवन था, शेर की तरह जिए, शेर की तरह दुनिया से गए। ऊपर वाले ने उनको इतने ही दिन के लिए भेजा था हम सब के बीच में सेवा के लिए। हम सब इस पर सब्र करेंगे, ऊपर वाले से उम्मीद रखेंगे कि वो इसका बदला ज़रूर लेगा जालिमों से। ऊपर वाला बदला लेगा? ज़रूर लेगा। तो आप अपने समर्थकों से या बाहर बड़ी हुजूम रात से ही आप इकट्ठे हो जा रहे, तो उनसे ये अपील करेंगे कि आप भी सब्र रखें जैसे परिवार वालों ने धैर्य सब्र रखा? कर रहे हैं और हमारे लोग सब्र किए हुए हैं। बिल्कुल, हम सब सब्र पर यकीन करने वाले हैं। जो सब्र करता है उसके साथ ईश्वर होता है, ये हमारा मानना है और इसी पर हमारा ईमान है। हमारे कोई लोग किसी तरह का कोई इसके लिए कोई डिमॉन्स्ट्रेशन, कोई प्रदर्शन कुछ नहीं करने को। हाँ, इस प्रशासन के लोग खामखा में आने वाले संवेदना व्यक्त करने वालों को फाटक में भी नहीं आने दे रहे हैं, आपको नहीं आने दे रहे थे अभी, तो आम जनमानस का क्या होगा? किसी के कोई प्रेम को कोई रोक सकता है क्या? अगर किसी के घर कोई दुख पे संवेदना व्यक्त करने जा रहा तो उसको भी क्या रोका जाएगा इस शासन और प्रशासन में? आप सब आँख से देख रहे हैं, आपको भी नहीं आने दिया जा रहा था। तो हालांकि जो बाहर लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो उनके रहनुमा थे, बस उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, लिहाजा यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। हाँ, जाहिर बात है कि जो जिससे प्रेम करता है उस
के प्रेम और दुख में दोनों में शरीक होता रहता है। आज दुख की घड़ी है तो हमारे दुख को बांटने आ रहे हैं, उन्हें आने दिया जाए। मेरा अनुरोध है प्रशासन के लोगों से कि कृपया वो खुद शांत होकर के बैठे, यहाँ कोई अशांति फैलाने का ना इरादा है न कोई करेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। इसकी गारंटी लेते हैं, आप बड़े भाई साहब हैं, लेकिन कोई संवेदना व्यक्त न करने आए, कोई मिलने न आए, तब इससे बड़ा मानवता का और हनन क्या होगा। क्यों नहीं लोगों को आने दिया जा रहा होगा, तो उनसे पूछिए। अच्छा, आप बड़े भाई साहब हैं, आप ये बताएं, आपने कहा कि आपके सूत्रों ने आपको बता दिया था कि ऐसा कुछ होगा, तो वो कौन से सूत्र हैं या फिर किस तरह? क्या बताया जाए, कैमरे पर बताने वाली बातें नहीं है। हमारा जो खदशा था, शुभा था, वो सच में बदल गया। ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, तो आपको लगता है कि अगर जहर या जो आप कह रहे हैं वैसा नहीं हुआ तो आप उसको खारिज करेंगे? नहीं नहीं, हम क्या किसी की रिपोर्ट को मांगे। एक चीज़ हो गई और कोई कहे नहीं हुई तो हम उसको क्या माने, होने वाली चीज़ तो हो चुकी है। उनकी किस्मत में ऊपर वाले ने इसी तरह लिखा था, उनको मौत देना, शहादत देना, कोई दुनिया में हाथ पैदा नहीं हुआ जो उनको सीने पर गोली मार सके, पीठ पे वार किया गया है, ऊपर वाला इसका फैसला करे। अच्छा, कुछ बातें उनकी जो आप इस समय शेयर करना चाहें, जो आप यहाँ बैठे हुए थे अकेले मैंने देखा, तो आपको उनकी याद आ रही हो या कुछ बातें आपको जो कुरेदना, मेरा मकसद नहीं है लेकिन फिर भी जो लोग जानना चाहते हों बड़े भाई से? उसने पूरी जिंदगी संघर्ष में बिताई है, किसी भी जालिम के सामने झुका नहीं, शान से जिया और शान से दुनिया से गया है। तो अब लोगों से क्या अपील करेंगे? हम सबसे यही अपील कर रहे हैं, रात से कर रहे हैं, कि आप सब्र से काम लें और ईश्वर पर भरोसा रखें, उसके हाथ बहुत बड़े हैं, आज नहीं तो कल ज़रूर ऊपर वाला दिखाएगा दुनिया को। हमारे हर लोग सब्र से काम ले रहे हैं और लेंगे। आपने सब्र का परिचय दिया है, हालांकि आपके आंसुओं के लिए हम, चूँकि मेरा मकसद ये नहीं था, लेकिन फिर एक सवाल जो हम दोहराना चाहेंगे जो मैंने पीछे किया था कि किसने साजिश की होगी? सब जानता है, सब जग जाहिर है कौन मुख्तार अंसारी के पीछे पड़ा था, उसे बताने की जरूरत रही है। मुख्तार ने कहा था हम बैठ नहीं पा रहे हैं, इस ऑडियो में क्या तमाम बातें कही गई, टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके सामने हम जानकारी रख रहे हैं, 16 से हम रोजा नहीं है, हम बेहोश टाइप हो जा रहे हैं, ये तमाम वो बातें जो मुख्तार ने अपने बेटे उमर से कही हैं, ये आपके सामने हम रख रहे हैं। तो बातचीत का जो ये ऑडियो है एक बार सुनिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं मेरी जान। अल्लाह का शुक्र है पापा, आपकी आवाज़ सुनने नसीब हो रही है हम लोग को। आप ठीक है ना? आपकी आवाज़ बहुत डर आ रही है। रुकिए, उमर लाइन पे ही, आप करिए। हेलो जी पापा, अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? हाँ बाबू ठीक है, बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद, आप कुछ बोलिए पापा, जो जो हमसे कहना आप बोलिए फटफट। अठारह तारीख से बात से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, नहीं एक वक्त की जमात जी, हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। और हाँ बाबा बिल्कुल, बहुत कमजोर हो गए आप, हमने देखा वीडियो में, देखा हमने जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यही कोर्ट में ही है, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं, यहाँ डाली बाग वाली को अदालत में है, हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं, अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग।
दो दिन चार दिन पाँच दिन आओ ताकि हम उठ सकें, हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू और हम नहीं हो तो हम समझ रहे हैं बापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल जहर का सब असर है बापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आपके, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके बापा फोन कर लिया करिए रोज, आपका आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा रख तभी रखते होगा तो रूह रहेगी और तो बॉडी तो चली जाएगी, बिल्कुल रहेगी बापा इंशाअल्लाह, बिल्कुल अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उमरा सब कराएंगे, आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है, शफुल मखलूकात हैं बापा, और आप हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से हैं, कोई और रहता तो अब तक मर गया होता बापा, आप बहुत हिम्मत से हैं। देखो बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, मतलब व्हील चेयर पे आए हैं और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो पाए हम अभी। जी बाबा, हम अभी अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में, सब जल्दी बेहतर होगा बापा, आप पेशी में कोशिश किया करिए कि आके अपनी सब बातचीत में आपसे कहिए बापा हर जगह। नहीं उस लायक नहीं है, आज आए थे ना तो फिर आए थे तो बेहोश हो गए, पापा वॉशरूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है कि एकदम हो ही नहीं रहा बात को? नहीं नहीं, 10 दिन से न मोशन हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। जल्दी जल्दी सही हो जाएंगे बापा, हम लोग पढ़ के पूछ रहे हैं, आपको जमजम और खजूर भेजेंगे या हम आएंगे तो लेके आएंगे आपके लिए, जमजम से ताबा लेके आए हैं सऊदीया से, जमजम और खजूर लेके आएंगे आपके लिए, फल 5 दिन जी जरूर पापा जरूर, जी बाबा जल्दी करा रहे हैं, भैया से भी इसी पे बात हुई थी अभी मेरी, आप 15-20 मिनट यहाँ जब से आप बात कराए मेरी वीसी पे, वीसी पे बात हुई थी यहाँ लखनऊ पेशी पे, हम आए हुए हैं कचहरी में, यहाँ वीसी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई है भैया से मेरी, वो ठीक है बस आप ही के लिए परेशान है, भाभी मिल के भी उससे आ जाएंगे, बस वो वही 2-3 दिन रुका करे, थोड़ा बच्ची तो खर्च भी कम लगेगा करना। जी बापा आप बस हिम्मत रखिए और हम लोग जल्दी मिलने आएंगे आपसे, अगर आर्डर हो जाएगा तो कल ले तो फिर 2-3 दिन बाद आएंगे सोमवार मंगल, अभी इस लायक बॉडी नहीं है तुम हमें बोल पाओगे। गाजीपुर में दफनाया जाएगा मुख्तार का शव, कलीपुर कब्रिस्तान में दफनाने की तैयारी है, ऐसे में वहां पर कड़ी सुरक्षा इंतजाम भी देखे जा रहे हैं। तो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं कलीपुर कब्रिस्तान की, जहां पर मुख्तार अंसारी के शव को दफनाया जाना है, कुमार कंदन हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद है, ये बताइए इस वक्त क्या तस्वीरें आप आसपास देख पा रहे हैं, चूंकि सुरक्षा की भी बताया जा रहा है कि कड़े इंतजाम किए गए। देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ से अब से थोड़ी देर बाद मुख्तार अब्बास को जहाँ पे जो है मुख्तार अंसारी को यहाँ पे सुपुर्द खाक किया जाएगा, और एक बार मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये वो जगह है जो इनका ख़ानदानी जगह है और यहीं पे पूरे ख़ानदान के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सबको सुपुर्द खाक किया गया है, और जगह को कालीबाग है और ये उनके गांव का जगह है जो मोहम्मदाबाद गांव है उस जगह का, यहाँ पे उनके गांव के लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या महत्व है इस जगह का। ये सर बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेड़ पौधा हुआ करता था तो नीचे मतलब छांव रहता था, तो दिनों में अक्सर करके काला मतलब रहती थी, इसको काली बाग कहा गया। अच्छा। ये उनकी फैमिली का कब्रिस्तान है, पैतृक मतलब ये उनका मतलब कब्रिस्तान है, और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे उनके पिताजी का है मज़ार,
काजी सुबहानुल्लाह अंसारी जो कि यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं और चेयरमैन भी रह चुके हैं, यहाँ के पूर्व चेयरमैन भी हो चुके हैं। मैं हूँ आपके साथ निधि वासंदानी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में मुख्तार अंसारी का परिवार, हाई कोर्ट में नहीं लग सकी अब्बास अंसारी की याचिका। पिता के जनाजे में शामिल होने के लिए लगाई थी पैरोल की याचिका। जस्टिस संजय सिंह की बेंच के सामने मेंशन होनी थी अब्बास अंसारी की अर्जी, बेंच के नहीं बैठने की वजह से आज मेंशन नहीं हो सकी याचिका। मुख्तार के बेटे उमर ने बांदा के डीएम को चिट्ठी लिखी, दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। मुख्तार अंसारी मामले में दो तरह की जांच के आदेश दिए गए। मामले की न्यायिक और मजिस्ट्रेट जांच होगी। न्यायिक जांच रिपोर्ट 15 दिन और मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट एक महीने में आएगी। मुख्तार अंसारी की मौत से पहले बेटे उमर से आखिरी बातचीत का ऑडियो सामने आया। बेटे से कहा था, कमजोरी की वजह से रोजा नहीं रख पा रहा हूं। मुख्तार के भतीजे का बयान, मुख्तार को आज ही दफनाया जाएगा, प्रशासन ने परिवार को दी जानकारी। गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को दफनाया जाना है। कब्रिस्तान में दफनाने की तैयारियां जारी हैं। मुख्तार की मौत के बाद गाजीपुर में सुरक्षा बढ़ाई गई है। मोहम्मदाबाद में भारी सुरक्षा बल की तैनाती। परिवार ने समर्थकों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। कल रात करीब 8:30 बजे मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में दिल का दौरा पड़ा था। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हुई मौत। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे यूपी में धारा 144 लागू है। हाई अलर्ट पर पुलिस है इस वक्त। मुख्तार अंसारी की मौत पर शिवपाल यादव ने कहा कि संदिग्ध हालात में हुई मौत, कोर्ट को इस मामले में खुद ही संज्ञान लेना चाहिए। मुख्तार की मौत पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, मुख्तार की मौत पर सियासत स्वाभाविक है, मुख्तार का अतीत अपराध से भरा था। मुख्तार अब्बास नकवी ने मुख्तार अंसारी को जहर दिए जाने के आरोपों को खारिज किया। साथ ही विपक्ष को मुख्तार के इतिहास पर नजर डालने की नसीहत दी। मुख्तार की मौत पर विपक्ष के आरोपों पर बोले संजय निषाद, विपक्ष को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। मुख्तार के बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी का आरोप, मुख्तार को खाने में जहर दिया गया। कहा, कोर्ट में भी हम लोगों ने आशंका जताई थी। केजरीवाल की पत्नी ने केजरीवाल को सच्चा देशभक्त बताया। कहा, केजरीवाल ने तानाशाही को ललकारा है। सुनीता केजरीवाल के व्हाट्सएप नंबर जारी हुआ है। कहा, इस नंबर पर केजरीवाल के लिए संदेश भेज सकते हैं लोग, केजरीवाल के लिए दुआ कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी बिल गेट्स के बीच प्रधानमंत्री आवास पर संवाद हुआ। AI, ड्रोन तकनीक, डिजिटल पेमेंट समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। बिलगेट्स से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आम आदमी का तकनीक पर भरोसा बढ़ा है, बच्चों को डिजिटल शिक्षा देने पर हमारा फोकस है। चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस को IT का, इनकम टैक्स का 1700 करोड़ का डिमांड नोटिस गया है। जुर्माना और ब्याज भी शामिल है इसमें, सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार में महागठबंधन का बंटवारे पर ऐलान, RJD 26, कांग्रेस 9 और लेफ्ट 5 सीट पर लड़ेगी चुनाव। जम्मू कश्मीर के रामबन में सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी कार, 10 लोगों की मौत। राजूपाल हत्याकांड में सजा का ऐलान हो गया है, 6 दोषियों को उम्र कैद, 1 दोषी को 4 साल की सजा, CBI कोर्ट ने फैसला सुनाया। राजूपाल हत्याकांड में मारे गए अतीक अशरफ भी आरोपी थे। कोर्ट ने 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, 1 आरोपी को 4 साल की सजा का ऐलान हुआ है। बदायूं से टिकट कटने के बाद संगमित्रा मौर्य ने BJP मुख्यालय जाकर BL संतोष से मुलाकात की। तो आइए खबरों को विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, मुख्तार अंसारी जो कि गाजीपुर का डॉन रहा, उसकी मौत तो हो गई, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है।
वो सवाल ये है कि परिवार आरोप लगा रहा है कि मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारा गया, यानी स्लो पॉइजन। तो दूसरी तरफ इस मामले में अब जांच भी आगे बढ़ रही है। एक और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है। बांदा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम पूरा कर लिया गया है। सुबह 10:30 बजे से पोस्टमार्टम शुरू हुआ था और अब जो जानकारी मिल रही है, पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है बांदा मेडिकल कॉलेज में। और इसके अलावा प्रशासनिक तौर पर यह जानकारी भी मिल रही है कि आज ही सुपुर्दे खाक किया जाएगा, जो जानकारी परिवार वालों को दी गई है। लेकिन अब शव को, मुख्तार अंसारी के शव को बांदा से गाजीपुर ले जाया जाएगा, जिसमें 7 से 8 घंटे लगते हैं। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, पोस्टमार्टम पूरा कर लिया गया है। 6 घंटे तक ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा प्रोसेस चला है। वीडियोग्राफी भी हुई है पोस्टमार्टम की। तो एक बार फिर बता दें, परिवार की मौजूदगी में वीडियोग्राफी हुई है पोस्टमार्टम की। थोड़ी देर में परिवार को शव सौंपा जाएगा, उसके बाद गाजीपुर ले जाया जाएगा। पूरे यूपी में इस वक्त हाई अलर्ट है, धारा 144 लगा दी गई है और हर कदम सुरक्षा के लिहाज से फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। सुरक्षा हर जगह कड़ी है। हमारे सहयोगी लगातार अपडेट हमें दे रहे हैं, लेकिन जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, पोस्टमार्टम पूरा कर लिया गया है। 6 घंटे की लंबी प्रक्रिया के बाद, इस पूरे प्रोसेस के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो गई है। और पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे रोविंग एडिटर। पंकज, अब जल्द ही शव को सौंपा जाएगा, उसके बाद बांदा से गाजीपुर ले जाया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और अभी जो जानकारी मिली, जो यहाँ के बांदा के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी CMO है, उन्होंने बताया कि बस आधे घंटे में यहाँ से उसकी बॉडी की, मुख्तार अंसारी की बॉडी की रवानगी हो जाएगी। उमर अंसारी जो उनके बेटे हैं वो भी यहाँ है, और पुलिस की बाकायदा जो फोर्स लगी हुई है यहाँ पर, करीब 8-10 गाड़ियां सिक्योरिटी की। इस तरीके से पूरा का पूरा काफिला जो है यहाँ से निकलेगा और प्रयागराज होते हुए, फतेहपुर होते हुए ये लोग करीब 6 घंटे के सफर के बाद गाजीपुर पहुंच जाएंगे। पंकज, लेकिन सवाल ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? कई सवाल खड़े हो चुके हैं मुख्तार की मौत के बाद, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर क्या कोई जानकारी मिल रही है, कब तक आएगी? देखिए, आज देर शाम तक ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जानी चाहिए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, क्योंकि आमतौर पर तो यहाँ पर जो जहाँ मेडिकल कॉलेज में होता है उसकी चीफ की तरफ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिलीज कर दी जाती है, लेकिन ये मामला बहुत सेंसिटिव है और बिना लखनऊ में जो हेड टॉप ऑफिशियल्स हैं वो इसको मामले को, इसकी जानकारी उसके शेयर करेंगे, इसलिए बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। लेकिन जानकारी मिलने के देर शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी जानकारी देने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजीपुर ले जाया जाएगा मुख्तार का शव। जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं, आधे घंटे में शव लेकर रवाना होगी पुलिस की टीम और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुलिस की टीम रवाना होगी, जिसमें परिवार के सदस्य भी, मुख्तार अंसारी के परिवार के सदस्य भी मौजूद होंगे। अब बताया जा रहा है आधे घंटे में इस प्रक्रिया को पूरा करके आधे घंटे में शव को निकाला जाएगा बांदा मेडिकल कॉलेज से और उसके बाद गाजीपुर ले जाया जाएगा। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, मुख्तार मौत केस में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बांदा के न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह इसकी जांच करेंगी, इस पूरे मौत की। 1 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो बांदा की जो मजिस्ट्रेट हैं गरिमा सिंह जांच करेंगी इस पूरे मामले की, मुख्तार मौत केस की। मौत कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, ये तमाम सवाल हैं जिसको लेकर जवाब तलाशने की कोशिश होगी। और बताया जा रहा है जो मजिस्ट्रेट हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह, 1 महीने के अंदर जांच करके रिपोर्ट भी पेश करेंगी। और इस बीच लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है। एक और ब्रेकिंग न्यूज जल्दी से बता दें, मुख्तार केस में मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए गए हैं। बांदा के DM दुर्गा शक्ति नागपाल ने आदेश दिए हैं, मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट 15 दिनों में सौंपी जाएगी। तो न्यायिक जांच तो होगी, मजिस्ट्रेट जांच भी होगी। अपर जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार इसकी जांच करेंगे और ये रिपोर्ट 15 दिन में सौंपी जाएगी। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए ये जो दोनों जांच हैं वो आगे बढ़ेंगी। एक की रिपोर्ट 1 महीने में और दूसरे मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट 15 दिन में सामने आ जाएगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, मुख्तार परिवार की सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी भी है। विधायक बेटे अब्बास अंसारी को पैरोल का मामला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो पाई और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कही जा रही है। जनाजे में शामिल होने के लिए अब्बास की अर्जी सामने आई थी। कासगंज की जेल में बंद है जो बड़ा बेटा है मुख्तार अंसारी का, अब्बास अंसारी।
और इसीलिए जनाजे में शामिल होने के लिए अर्जी दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट न जाकर अब बताया जा रहा है परिवार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। और अब आपको दो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, और तस्वीरें जो हैं किस तरह से, पहली तस्वीर आपको जो हम दिखाएंगे यूपी में खत्म होते माफिया राज की है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लगातार हमलावर है सत्ता पक्ष पर। पहली तस्वीर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की है, जब उनकी पुलिस सुरक्षा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दूसरी तस्वीर कल रात की है, जब मुख्तार अंसारी की अस्पताल में मौत हो जाती है। परिवार आरोप ये लगा रहा है कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया, स्लो पॉइजन दिया गया, हालांकि पुलिस प्रशासन इसे हार्ट अटैक बता रही है। इसके अलावा बड़ी खबर एक और आपको बता दें जल्दी से, मुख्तार अंसारी यूपी का वो बाहुबली था जिसकी जो तूती थी मऊ गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक बोलती थी, जिसने भी मुख्तार से दुश्मनी मोल ली थी उसका नामो निशान मिट गया। यहां तक कि प्रशासन से जुड़े अफसरों ने मुख्तार अंसारी पर एक्शन लेने की कोशिश भी की तो उन्हें अपनी नौकरी से हाथ गंवाना पड़ा। पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह जनवरी 2004 में वाराणसी में तैनात थे। शैलेंद्र सिंह ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से पहले मुख्तार अंसारी के जो खरीदने का राजफाश किया था, यानी पर्दाफाश किया था, उनसे जुड़े हुए कई राज उन्होंने सामने रखे थे। उन्होंने एलएमजी बरामद कर मुख्तार अंसारी पर पोटा भी लगवाया था। आपको ये सुनवाते हैं कि पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह की आंखों देखी, उन्होंने क्या मंजर देखा था, किस कदर मुख्तार अंसारी खौफ का दूसरा नाम था। शैलेंद्र सिंह की जुबान से आप खुद सुनिए। देखिए, मैंने जैसा पता सबको कि लाइट मशीन गन रिकवर कर ली और पोटा कानून उस समय एग्जिस्ट करता था, तो मुख्तार पे पोटा लग गया था। और पोटा कानून बहुत ही हीनियस क्राइम पे लगता है, देशद्रोह के कानून पे लगता है। और लाइट मशीन गन भी आर्मी की चुराई हुई थी जम्मू कश्मीर से, तो मुख्तार बहुत बुरी तरह फंस गया था। और उस समय मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत की सरकार होती थी, 2003 में मायावती जी की सरकार तोड़ के इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, तो पूरा दबाव बनाया गया कि मुख्तार के आँच ना आवे मुख्तार पर और इस केस से उसका नाम निकाल दिया जाए। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से बार बार हमसे कहलाया गया, हम तक ये मैसेज दिया गया कि आप मुख्तार का नाम निकाल दीजिए। तो मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि सर, आपको भी मालूम है कि एक बार FIR दर्ज हो जाने के बाद कोई बदल नहीं सकता है, तो आप लोग ये कैसे मुझसे उम्मीद कर रहे हैं। तो इन लोगों ने ऊपर बात किया, फिर ये बात रखी, तो ऊपर से फिर जैसा इनको निर्देश मिला कि ठीक है FIR वो दर्ज हो गई, कोई बात नहीं, अब विवेचना कोई और करेगा। तो इन लोग मुझे तो नहीं डायरेक्ट कुछ कर पा रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली इन लोगों ने पूरी कोशिश की धमकाने की, जैसे मेरा परिवार कहीं जा रहा हो तो उस पर आगे पीछे जाके, एक बार तो उसके ऊपर छिरा झपटी की भी नौबत आई दिखाने के लिए था, जबकि अटैक था मैं जानता था। मेरी गाड़ी में कहीं जा रहा हूँ तो आगे पीछे क्रॉस की जाती थी कई गाड़ियाँ, बार बार मतलब ऐसा चलाया जाता था कि मैं टकरा के कहीं गिर जाऊँ। तो ये सब तरीके इन लोगों ने आजमाए थे, इवन मारने के लिए शूटर भी बुलाए थे, जो समय समय पर मुझे मिली सूचना तो मैंने तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी, तो बहुत हथकंडे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, जब मैं रिज़ाइन किया तो मुझे सरकारी आवास खाली करना पड़ा, और कहीं भी मैं जाता था मकान लेने के लिए किराए के, तो वहाँ पर धमकी पहुँच जाती थी कि आप इसको मकान न दें। शाम को हमने सामान रखा, सवेरे खाली करना पड़ता था। इवन मैं सोचा तंग आके कि अब तो मुझे अपना कोई फ्लैट ले लेना चाहिए या ज़मीन, तो मैं बैंक में जाऊं तो कहे पे स्लिप नहीं है, आपको कहां से मिलेगी, अब तो सर्विस भी नहीं है आपके पास। तो मैं सोचा कि किसी कंपनी को ज्वाइन करके कहीं पे स्लिप प्राप्त कर लूं, उससे ये सब कर लूं, तो वहां भी धमका दी जाती थी कि नौकरी इनको मत रखिए। तो ये सब भी दिन देखा हमने, बहुत मुसीबतें उठाई। 20 साल का लंबा समय होता है बहुत, भगवान राम भी 14 साल का वनवास था, मेरा तो 20 साल स्ट्रगल रहा। अब जाके मुझे इस बात का संतोष है कि नहीं, सच की जीत होती है, जो बुरा कर्म जिसने जैसा किया है कर्म उसके सामने आएंगे। हमने अच्छा किया तो मैं आज आपके बीच में बैठा हूँ, और उसने जो किया है आज उसके कर्म उसके सामने है। और शैलेंद्र प्रताप सिंह को आप सुन रहे थे। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि बेटे उमर से मुख्तार अंसारी की बातचीत का एक ऑडियो सामने आ चुका है। मुख्तार अंसारी ने बेटे को अपनी खराब हालत का हवाला दिया था कि उसकी हालत खराब है। मुख्तार अंसारी ने इस ऑडियो में कहा, बार बार बेहोशी छा रही है मुझे,
बैठने तक में दिक्कत हो रही है, ये मुख्तार अंसारी ने अपने बेटे से कहा बातचीत में। अल्लाह जिंदा रखेगा तो सिर्फ रूह रहेगी, बॉडी तो चली गई है, ये कहा मुख्तार अंसारी ने अपने बेटे से। हेलो, हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं मेरी जान। अल्लाह का शुक्र है पापा, आपकी आवाज़ सुनने नसीब हो रही है हम लोग को। आप ठीक है ना? आपकी आवाज़ बहुत डर आ रही है। रुकिए, उमर लाइन पे ही आप करिए। हेलो जी पापा, अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं?